हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आज फोर्थ वीडियो है। इसके पहले हमने तीन वीडियो अपनी कंप्लीट किए हैं। ये आपके एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको एक बार रिविजन कीजिएगा। आपको ये एक तरीके से वन लाइन फॉर्म में है, पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है और ये एसएससी जेई के लिए नहीं, जो आपके एसएससी के द्वारा जो सभी एग्जाम कराए जाते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि आपका हमने अभी तक 150 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, तो और इससे पहले हमने भारतीय जल निकासी व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। उसके आगे कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये है आपका 51। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये है आपकी चंबल, ठीक है। तो चंबल जो है आपकी यमुना की जो है सहायक नदी है डियर, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो चंबल जो है यमुना की वो सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती। आपको बताने कि कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती। तो नेपाल का जो हिमालय है वहां से कौन सी नदी निकलती, कोसी नदी, नर्मदा, गंडक या घाघरा। आपको बताना है इसका ऑप्शन जो है सही क्या होगा। तो देखिए, जो आपकी उसने पूछा जो हिमालय से नहीं निकलती, तो ऐसी एक नदी है नर्मदा। तो नर्मदा जो है भाई आपकी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। देखो, कोसी नदी भी निकलती है और गंडक भी निकलती है और घाघरा भी, जो नेपाल हिमालय से निकलती है, बट नर्मदा जो है आपकी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है, ठीक है। नर्मदा जो है आपकी प्रायद्वीप सबसे बड़ी पश्चिम वाली नदी है, ठीक है। कैसी है ये भाई, आपकी जो है वेस्ट जो साइड से जो है निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से किस नदी पर पाकिस्तान डायमर बासा बांध नाम का बांध बना है। तो देखो, ये वर्ड याद रखेंगे, डायमर बासा बांध नाम का बांध बना है नदी पर पाकिस्तान, ठीक है। तो ये वर्ड आपके क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु है ना, सिंधु समझौता पाकिस्तान की नदी से हुआ। तो ये आप इंडस रिवर से आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट ले दी पाकिस्तान वर्ड यहाँ पर जुड़ा। तो सिंधु नदी, झेलम, सतलुज, ये सब जो है हमारे इधर की, पर सिंधु जो है आपके पाकिस्तान के साथ समझौता हो रखा है। निम्न से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको सबसे बड़ा डेल्टा बताना है कौन सा है, इरावदी डेल्टा, राइन म्यूज डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या अमेजन डेल्टा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत बच्चे इसको अमेजन डेल्टा ऑप्शन करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोलेरू झील डैश डैश किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या वो उत्तराखंड में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इसका ऑप्शन बताएंगे क्या। इसका ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा भाई आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है। देखिए, गोवा राज्य की बात की गई है और जलप्रपात आपको याद करने पड़ेंगे, ये हम इसकी वीडियो भी इसके ऊपर लेके आएंगे, बट अभी जो है आप फैक्ट वाइज ही क्वेश्चन को याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि भाई जलप्रपात गोवा राज्य में है, निम्नलिखित कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में। देखो, दूध सागर जो है ये गोवा राज्य में है जलप्रपात, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और यदि हम और इन ऑप्शनों की भी बात करें, जैसे कि आपका दुधमुहा है, दुधमुहा ओडिशा का है, किसका भाई, ओडिशा का, ठीक है, ओडिशा राज्य है तो वहां से संबंधित है इसका। और जो कोका है, ठीक है, तो कोका जो है आपका कर्नाटक से है, कोका क्या है आपका, कर्नाटक, ठीक है। और शिव समुद्रम जो है आपका, ये आपका जो है भाई ये भी कर्नाटक से ही है, ये भी सेम आपका कर्नाटक राज्य से ही है। तो ये इनको भी आप एक रिकॉल करके याद रख सकते हैं इनके फैक्ट वाइज भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्न से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है। आपको गुजरात का बंदरगाह के बारे में बताना है कि कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। तो देखिए, जो कांडला है, कांडला आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, काली, सोन, रामगंगा या पेंगंगा। तो
आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो पेन गंगा जो है वो शायद गंगा नदी नहीं है गंगा की, तो ये सोन, राम गंगा और काली गंगा दोनों सहायक नदियां हैं, ये आपने नाम भी सुने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में आपको, राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी है, चमली है, बाण गंगा है, बनास है? तो आपको बताना है इसका ऑप्शन जो है सही क्या होगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा तो लूनी जो है वो सबसे बड़ी गंगा है राजस्थान की, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, है ना। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट डेडेस में स्थित है, उत्तर, पश्चिम, पूर्व या दक्षिण? तो कौन सी दिशा में है आपको बताना है इसका आंसर। सो जो आंसर है वो भी होगा आपका पश्चिम, तो ग्रेट इंडिया डेजर्ट जो है वो वेस्ट की साइड में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? कर्नाटक और बहने वाली पूर्व की नदी नहीं है, तो वो नदी है आपकी मांडवा, कौन सी है? ऑप्शन सी जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहुबली वज्राई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका है महाराष्ट्र। तो ये जो ऑप्शन जो है बाहुबली वज्राई जलप्रपात कहाँ पे है, ये वर्ड आप याद रखेंगे, वज्रपात कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है भाई। नेक्स्ट आगे देखेंगे, निम्नलिखित से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती, गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र? कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ताप्ती नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है, ताप्ती नदी के बारे में अब याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल गृह क्षेत्र है? जल गृह जो वाटर कैचमेंट एरिया है वो गोदावरी के किस बेसिन में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना? तो बताएंगे जरा इसका सही आंसर आपका भाई क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो महाराष्ट्र, इसका ऑप्शन जो है सही होगा गोदावरी। गोदावरी का बेसिन सबसे बड़ा जल क्षेत्र है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? इसका आंसर बताएंगे सही ऑप्शन होगा गोदावरी। क्या भाई? ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है गोदावरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी की किशन गंगा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो प्रमुख सहायक नदियों में से एक है वो है आपका भाई डी, कौन सी है? झेलम। झेलम जो है आपकी सही जो है नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये आपको बताना है महाराष्ट्र के। तो ऑप्शन जो है इसका बताओ कौन सा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा? कृष्णा, गोदावरी, दामोदर या महानदी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। देखिए आप जो रिकॉल करते हैं, जो पढ़ते हैं बेसिक चीज़ों को, तो आपको याद होना चाहिए ये कौन सी है आपकी, ये गोदावरी से निकलती है। ठीक है, याद, ऑप्शन सी जो है इसका भाई राइट होगा। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है आपका है भाई कर्नाटक राज्य में। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। देखिए सरयू नदी का आपको पता होना चाहिए, सरयू नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बताएंगे अयोध्या, भोपाल, कानपुर, हरिद्वार, है ना। तो आपको ये इजीली पता होगा, इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा। तो आपको देखिए अयोध्या, अयोध्या के बारे में अभी आपने बहुत डिस्कशन किया, बहुत सारी चीजें पढ़ी तो, और सर्च भी किया गया, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुहुरी नदी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी, है ना। मुहुरी नदी भारत के आपको किस राज्य में मिलेगी, वो है मुहुरी आपका त्रिपुरा, कहाँ पे? त्रिपुरा के राज्य में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भूसी झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, वो है आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी खरकई और सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत है? ब्राह्मणी, खरकई और सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश? आपको बताना है इसका ऑप्शन जो है सही क्या होगा। इसका ऑप्शन है झारखंड, आपका जो है ब्राह्मणी, खरकई और सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत है झारखंड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता है, उनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर इसका सही होगा।
वो है आपका भोजताल मध्य प्रदेश, भोजताल मध्य प्रदेश बी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, तो वो कौन सी पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र, कौन सी है भाई आपकी ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है जिसे गैर शोपा जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बताएंगे क्या ऑप्शन सही होगा, वो है आपकी श्रावती नदी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा। कौन सी नदी जो जोग जलप्रपात बनाती है जिसे गौरसप्पा, है ना, ये आप गौरसप्पा के नाम से याद रखें, गौरसप्पा जलप्रपात भी बनाते हैं, तो वह श्रावती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत कथन बताना है कौन सा है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपको दे रखे एम है ये तिब्बत से निकलती है ना, ये जो है तिब्बत से निकलती है, और आगे है दूसरा है आपका ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है ना, इसका अधिकांश जल क्षेत्र भारत के बाहर है, यह अरुणाचल प्रदेश में भारत के प्रवेश करती है जहाँ से दिबांग कहा जाता है, ये ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका गलत है, तो यही ऑप्शन इसका गलत है, ये इसमें गलत है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है जहाँ से दिबांग कहा जाता है ना, बल्कि ये जो है अलग, इसमें जो है लॉजिक है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत या येरूंग अरुणाचल प्रदेश में यांग नदी कहा जाता है, और जबकि इसको दिबांग नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है इसको अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग कहा जाता है, दिबांग नोट कहा जाता है, यही ऑप्शन आपको गलत है, तो क्या कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको भाई ये बोला जाता है, इस नदी को जो बोला जाता है वो बोला जाता है सियांग, याद रखेंगे ये क्योंकि आ चुका है क्वेश्चन, आ सकता है सियांग बोला जाता है और दूसरा नाम बोला जाता है दिहांग, दिहांग नदी है ना, नदी के नाम से पुकारा जाता है अरुणाचल, कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बल्कि, और ठीक है कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है ना, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा, मतलब ये गलत है तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है, और जबकि ये भी आप कथन राइट है, ये भी राइट है, और ये भी आप ये है निकलती है, ये भी आपको कथन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सुंदरबन डेल्टा डैश डैश नदियों द्वारा बनाया जाता है, बताएंगे ऑप्शन जो है इसका क्या सही होगा, है ना, जो सुंदरबन डेल्टा है भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा डेल्टा है, तो आप बताएंगे अब ऑप्शन बताने के आप इजीली बता सकते हैं, है ना, तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, मैंने अभी बताया गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है आपका सही होगा, तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पिछोला झील निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है, पिछोला झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो पिछोला झील भाई आपकी है राजस्थान में, कहाँ पे है राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, निम्न से कौन भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है, निम्न कौन सा भारत के तट पर पश्चिमी शहर नहीं है, तो वो है आपका भाई गोपालपुर, गोपालपुर, जबकि करवाड़ सूरत और मंगलोर पश्चिम तट पर एक शहर है, वो गोपालपुर एक शहर नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर है, यमुना गंगा सतलुज ब्यास, देखिए आपको सतलुज जो है पंजाब के अंदर पड़ती है ना, तो क्या इसका ऑप्शन सी सही होगा, बताएंगे जरा ऑप्शन भाई, है ना, तो ये जो गुरुद्वार पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर पड़ता है, तो ये है आपका सतलुज नदी के तट पर पड़ता है, चलिए क्योंकि पंजाब में इसका जो है पंजाब में बहती है नदी, नहर का एक चैनल जहां उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है उसे डैश डैश कहा जाता है ना, उसे क्या बोला जाता है आपको बताना, तो उसे बोला जाता है लिफ्ट चैनल, क्या बोला जाता है लिफ्ट चैनल बोला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है ना, जो सहायक नदी है भूटान से होकर बहती है, तो वांगछू नदी जो है भूटान से होकर बहती है, आप इसका ऑप्शन जो है ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है, तपोवन विद्युतगढ़ जल विद्युत योजना, इसका आंसर बताना है आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा उत्तराखंड के राज्य में जो है स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उड़ीसा में वेद व्यास में संघ नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है, इसका ऑप्शन बताएंगे क्या इसका ऑप्शन सही होगा, तो ब्राह्मणी जो है वो उड़ीसा में वेद व्यास में संघ नदी दक्षिण कोयल नदी संगम से बनने वाली नदी का नाम है ब्राह्मणी, क्या है ब्राह्मणी, ये ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट है अंचल झील,
अचार झील, अंचार झील निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? अंचार झील राज्य में स्थित है, आपको बताना है इसका आंसर क्या, इसका आंसर सही होगा तो वो है जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? कौन सा शहर पिछोला झील के किनारे पर स्थित है? तो वो है भाई आपका उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। ठीक है दिया, कौन सा? उदयपुर इसका सही आंसर होगा। गिरी नदी डैश डैश की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो आपका इसका आंसर बताना है क्या होगा, तो वो है आपकी यमुना। गिरी नदी यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का कहाँ से? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वह है आपका कैलाश श्रेणी के चेमिया गुंडू ग्लेशियर से, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इलार वरना और डिंडी डेड नदी प्रणाली सहायक नदियाँ हैं, तो आपको इसका ऑप्शन बताना है क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन है कृष्णा नदी सहायक नदियाँ हैं, कृष्णा की सहायक नदियाँ येल्ला वरना और डिंडी, ठीक है इसकी हैं गंगा की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? आपको आंसर बताना है, इसका आंसर जो है सही होगा, तो वो है आपका तीन भागों में विभाजित करती है, ऑप्शन सी जो है इसका भाई आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न से किस भारतीय राज्य में आप कुचिंकल जलप्रपात पाएंगे? तो कुचिंकल जलप्रपात जो आपको पाएंगे वो आपका कहाँ पर है? वो है डी आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर, बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरू झील निम्न किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका आंसर बताना है, कोलेरू झील जो है किस राज्य में आपकी स्थित है? तो कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है ना, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है? आपको बताना है इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। तो ताप्ती नदी जो है वो खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? तो वह है आपका कोलकाता। कहाँ पर है भाई आपका? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को डैश डैश कहा जाता है? आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा, है ना, इसका आपको सही आंसर बताना है डी आर आपका क्या होगा। तो इसका जो है आपको बताना है, मतलब कि पढ़ना है अच्छे से, फिर आपको आंसर देने की कोशिश करनी है कि इसका आंसर जो आपका कौन सा सही होगा। ठीक है, बोला गया है कि नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहता है? कमांडेड एरिया बोला जाता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अपवाह पैटर्न को क्या बोला जाता है? अभिकेंद्रीय, जफ्रिया, द्रुमकृतिक या आर्य, है ना, आपको बताना है इसका ऑप्शन जो है सही क्या होगा। देखिए इसको बोला जाता है रेडियल, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं आर्यल, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है ना, तो आपको बताना है कौन सा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में होता है, वह है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात ए ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, निम्न से कौन एक पारंपरिक जल भंडार संरचना नहीं है? कौन पारंपरिक जल संचार भंडारण नहीं है? तो वो है आपकी हरियाली। क्या है भाई आपकी? हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश भूमि की एक प्राकृतिक भूजल विद्युत इकाई जो जल एकत्र करती है और इसे एक सामान्य बिंदु के माध्यम से धाराओं की प्रणाली द्वारा बहती है, क्या उसे बोलते हैं? वारबंदी, जलभृत या जल विभाजक या जलाशय, तो आपको बताना है इसका आंसर जो है आपका सही होगा। तो देखिए इसे बोला जाता है वाटरशेड, है ना, जल विभाजक। क्या बोला जाता है? जल विभाजक मुख्य भूमि भूमि की एक प्राकृतिक जल विद्युत इकाई है जो एक जल करती है उसे एक सामान्य बिंदु के माध्यम से धाराओं की प्रणाली द्वारा बहती है, उसे कहते हैं जल विभाजक। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? क्या वाराणसी है, हजारीबाग है, कानपुर है, जो फपोमाओ है? ठीक है, तो बताओ इसका आंसर आपका जो है कौन सा सही होगा। तो जो हजारीबाग है
हजारीबाग गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, है ना? हजारीबाग झारखंड में, हजारीबाग ये कहाँ पे है? झारखंड में। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका होगा, और ये कहा झारखंड में, कहाँ पे भाई आपका? झारखंड में, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये था आपके कुछ 150 से 200 तक के क्वेश्चंस जो हमने ज्योग्राफी कंप्लीट करे, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चंस और लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।